Three, two, one. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टोरी का रिवीजन करेंगे। लास्ट जो हम लोगों ने रिवीजन किया था वो किस स्टोरी का किया था? कटरू कबूतर, है ना। आज जिस स्टोरी को हम रिवाइज करेंगे उसका नाम है शेर की दहाड़। तो पहले चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपकी कहानी का नाम है शेर की दहाड़। हम खेत पर गए। कहाँ गए? खेत पर गए। हमने मीठे बेर खाए। खेत पर जाकर हमने क्या किया? मीठे बेर खाए। हम बड़ी देर तक उधर खेलते रहे। किधर खेलते रहे? खेत पर, है ना। हमने खूब खेल खेले। वहां पर हमने खूब सारे क्या किए? खेल खेले। हमने सेब और केले भी लेकर गए थे। जब वो खेत पर गए थे तो क्या क्या लेकर गए थे? सेब और केले। सबने सेब और केले खाए। रमेश ने शेर की नकल की। सब डर गए। जो वहां पर बच्चे गए थे, कहां पर? खेत में। तो उसमें एक बच्चा था रमेश, जिसने किसकी नकल की? शेर की नकल की। और उसकी नकल देखकर सारे बच्चे क्या हो गए? डर गए, है ना। फिर वो डर कर सब चारों तरफ भागने लगे रमेश की नकल देखकर। रुक जाओ रुक जाओ, ये शेर ना था, ये रमेश ने शेर की नकल की थी। तो क्या कहते, उनमें से एक और बच्चा था जो वो सारे बच्चों को बोला, जब सब डर कर भागने लगे तो बोला, अरे रुक जाओ, ये शेर थोड़ी है, ये तो रमेश है जो शेर की नकल कर रहा है ना। वाह, कितनी बढ़िया नकल की, बिल्कुल शेर की दहाड़ थी। तो बच्चे कहने लगे, अरे वाह, इतनी अच्छी नकल की रमेश ने, ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई शेर दहाड़ रहा हो, है ना। तो पहले क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए? खेत पे गए। वहां पर उन्होंने खूब सारे खेल खेले। उन्होंने वहां पर फल खाए, कौन कौन से? सेब और केले। फिर रमेश ने किसकी नकल की? शेर की नकल की। उसको सुनकर सब लोग क्या हुए? डर गए, है ना, डर कर भागने लगे। तभी उनमें से एक बच्चा बोला, अरे रुको रुको, ये कोई शेर नहीं है, रमेश क्या कर रहा है? शेर की नकल कर रहा है। फिर सब लोगों ने रमेश की बहुत तारीफ की, अरे वाह, रमेश तो बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहा था। फिर इसके बाद वो स्टोरी खत्म हो गई। फिर चलिए इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो स्टोरी हो गई, अब इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं ना। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, सब कहाँ गए? जब हमने अभी स्टोरी को पढ़ा था तो जो बच्चे जितने सारे थे वो कहाँ गए? सब। फिर देखिए यहाँ खाली जगह है, फिर पर गए, लेकिन कहाँ गए? ये देखिए, शेर शेर पर गए, या केले पर गए, खेत पर गए, सेब पर गए, या बागी पर गए? तो सब लोग कहाँ गए थे? यस, सब लोग खेत पर गए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खेत। सब कहाँ गए? सब खेत पर गए। अब सबने क्या खाया? जब बच्चे खेत पर गए थे तो उन्होंने क्या खाया था? सबने डैश और डैश खाया। अब इसमें से देखिए कौन सी चीज खाने वाली है? केले और सेब। तो सबने क्या खाया? सबने केले और सेब खाए, है ना। सबने क्या खाया? सबने केले और सेब खाए। फिर इसके बाद आगे देखें, जैसे उन्होंने उसकी तस्वीर ली, उसकी फोटो क्लिक की, आगे क्या पूछा है? रमेश ने क्या किया? अब जब सब लोग खेत पर खेलने गए थे तो उनमें से एक बच्चा था रमेश, उसने क्या किया? रमेश ने डैश की नकल की। अब देखिए केले हो गया, खेत भी हो गया, सेब भी हो गया, क्या बचा? शेर और बागे। और जो पूछा है, रमेश ने डैश की नकल की, तो किसकी नकल की थी रमेश ने? शेर की, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शेर। रमेश ने शेर की, यस, नकल की। दहाड़ सुनकर क्या हुआ? जब रमेश ने शेर की नकल की, दहाड़ा शेर जैसे, तो क्या हुआ?
दहाड़ सुनकर सब डरकर क्या करने लगे? भागने लगे। तो दहाड़ सुनकर सब डरकर क्या हुए? भागे। तो रमेश ने क्या किया? रमेश ने शेर की नकल की। दहाड़ सुनकर क्या हुआ? दहाड़ सुनकर सब डरकर भागने लगे, है ना। तो दहाड़ सुनकर सब डरकर भागे। तो ये वाली स्टोरी हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, आपको याद हो गई ना। अब इसके प्रश्न भी आपको याद हो गए होंगे, प्रश्न के उत्तर भी याद हो गए होंगे ना। फिर इसके बाद चलिए हम लोग दूसरी स्टोरी देखते हैं ना। अब हमारी दूसरी स्टोरी है, कौन सी? मैना उड़ गई। स्टोरी का क्या नाम है? मैना उड़ गई, है ना। स्टोरी यानी कि कहानी, उसको हम लोग सुनते हैं। वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए। वैभव और कैलाश कहाँ गए? सैर करने। किसके साथ? अपने भैया के साथ। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। मैना देखकर कौन खुश हुआ? कैलाश। उसने ढेला उठाया, ढेला यानी कि कोई एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और भैया से कहा। भैया ने कहा, ढेला मत मार। उन्होंने क्या कहा? जब उसने कैलाश ने ढेला उठाया मैना को मारने के लिए, तो उनके भैया जिनके साथ कैलाश सैर पे गया था, उन्होंने उससे बोला, अरे नहीं, ढेला मत मारो। उसने भैया से कहा, भैया मुझे मैना चाहिए। तो भैया ने कहा, कैमरे से मैना की तस्वीर लेकर अपने पास रखना। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। कैमरे की चमक से मैना डर गई और झटपट वहां से उड़ गई। तो देखिए, पहले कौन कौन सा बच्चा था? एक कैलाश, वो अपने भैया के साथ कहाँ गया? सैर पर घूमने गया। उसने एक पेड़ पर एक मैना देखी, उसे वो मैना बहुत प्यारी लगी। तो उसने एक छोटा सा पत्थर नीचे से उठाया और उस मैना को मारने लगा। लेकिन उसके भैया जो उसके साथ गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैना को नहीं मारो। तो उसने कहा, लेकिन भैया मुझे तो मैना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुमको मैना चाहिए तो तुम इसकी फोटो निकालो, इसकी तस्वीर निकालो और अपने पास रख लो। भैया उससे वो मैना डर गई और वहां से उड़कर भाग गए, है ना। तो इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। स्टोरी अच्छी थी ना। अब देखिए, हम लोगों ने स्टोरी को पूरा पढ़ लिया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ खाली जगह है जिनको हमें भरना है और उनको कंप्लीट करना है। और ये देखिए, कुछ शब्द दिए हैं, इनको पढ़ना है। इनमें से उन शब्द को ढूंढना है कि कौन से में कौन सा वाला शब्द आएगा, है ना। तो पहले चलिए हम पहले वाला पढ़ते हैं। एक पेड़ पर डैश बैठी थी। जब वो लोग सैर पर गए थे तो पेड़ पर कौन बैठी थी? कैलाश बैठा था? नहीं। कैमरे बैठे थे? नहीं। मैना बैठी थी, है ना। तो क्या होगा? एक पेड़ पर कौन बैठी थी? मैना। टैश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। कौन मैना देखकर बहुत खुश हुआ था? कैलाश, कैमरे और मैना, दोनों पहले लिख चुके हैं ना, बच्चा भैया। तो कौन मैना को देखकर बहुत खुश हुआ था, कैलाश या भैया? कैलाश। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैलाश। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ, है ना। फिर खाली जगह ने कैमरा निकाला। अब कैमरा किसने निकाला? कैमरा किसने निकाला था? भैया ने, है ना। फिर खाली जगह से मैना की तस्वीर ली। किससे तस्वीर ली थी भैया ने मैना की? कैमरे से, है ना। तो कैमरे से मैना की तस्वीर ली किसने? भैया। इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई, कहानी का नाम था मैना उड़ गई। पहला, एक पेड़ पर बैठी थी कौन? मैना। मैना देखकर बहुत खुश हुआ कौन? कैलाश।
अपने कैमरा निकाला किसने? भैया ने। कैश से मैना की तस्वीर ले ली। किससे तस्वीर ली थी भैया ने? कैमरे से, है ना? तो कैमरे से मैना की तस्वीर ले ली। इसके बाद ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे और ऐसे ही उसके प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना।